दोस्तों आप सभी का स्वागत है अमन टेक्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पेटीएम का यूज़ करते हैं और पेटीएम से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि किसी को भी पैसे सेंड करते हैं या फिर आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पे कुछ कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं। तो उन कैशबैक पॉइंट्स को किस तरीके से जो है आप अपने पेटीएम के मेन बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोफाइल लोगो पे क्लिक करना है एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैशबैक एंड ऑफर्स का। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैशबैक पॉइंट्स एंड यहाँ पर कैशबैक बॉन। तो यहाँ पर जो है आपको जो कैशबैक पॉइंट्स मिलते हैं, सिंपल आप किस तरीके से उन्हें रिडीम कर सकते हैं, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको रिडीम पॉइंट्स करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके लिए जो है आप यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे गिफ्ट कार्ड भी ले सकते हैं एंड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने कैशबैक पॉइंट्स को पेटीएम के मेन बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कन्वर्ट पॉइंट्स टू पेटीएम बैलेंस। तो यहाँ पे जो है आपको पेटीएम गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मिनिमम आप जो है 10 रुपीज़ यहाँ पे मेन बैलेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है 250 पेटीएम गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 1100 पॉइंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज़ 10 पेटीएम के बैलेंस में एंड यहाँ पे अगर आप रुपीज़ 50 पेटीएम बैलेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 5000 पॉइंट्स देने होंगे एंड यहाँ पे 250 रुपीज़ के लिए 25000 पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे एंड यहाँ पे जो है आपको सिंपल रिडीम करने के लिए सिंपल क्लिक करना है। जिसे भी आप सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज़ 10 पेटीएम गिफ्ट वाउचर एंड यहाँ पे जो है नीचे आपको अवेल फॉर यहाँ पे 1100 पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। दोस्तों हमारे यहाँ पे 1100 पॉइंट्स नहीं हैं, इसलिए जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यू नीड 310 मोर पॉइंट्स, कि हमें यहाँ पे इतने पॉइंट्स और चाहिए तब जो है हम यहाँ पे रुपीज़ 10 को अवेल कर पाएंगे यानी कि कन्वर्ट कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम कैशबैक के पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा तो उन्हें आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजोन का गिफ्ट वाउचर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई गिफ्ट कार्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गिफ्ट कार्ड स्टार्टिंग रुपीज़ 50 से आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कैशबैक पॉइंट्स हैं पेटीएम में तो ऐसे में जो है आप उसे रिडीम कर लीजिए। अदरवाइज जो है जो आपके पॉइंट्स की हिस्ट्री है उसमें आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आप इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिडीम नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो ऐसे में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए जो है आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो उन्हें आप जो है यूज़ कर लीजिए, रिडीम कर लीजिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।